गुरुजी, मेरे लड़के का विवाह हुआ, उनका कुछ ठीक नहीं। मेरा क्या हो गया है? 15 साल हो गया, पति नहीं रखता। ठीक है, कोई बात। आपके बेटे का नाम क्या है? अविनाश। अविनाश। यहाँ पर आपने ये विषय किसी को बताया? नहीं। जो हम बोले गलत बोले, आपको टोकना है, सही बोले आप स्वीकार करना। एक प्रश्न और लिखा, आपके दो आए हैं। हमने तीन बातें लिखी, प्रश्न दो हैं। पहला स्वास्थ्य का है, पढ़ते जाना। स्वास्थ्य ठीक नहीं, शरीर में दिक्कत, धन की तंगी, कर्ज से परेशान 2017 से। बोलो हाँ या ना। एकदम सही। 2017 से कर्ज से परेशान है, बेटे अविनाश की अर्जी लेकर आए, वो गलत संगत में फंसा हुआ है, आपको भी पता है, पर स्त्री चक्कर में है, अपने घर की तरफ नहीं देख रहा है, न परिवार में एकता के साथ रह रहा है, सुधर जाएगा। बाकी विषय बिना माइक के हम बता देंगे, किसने उसके ऊपर वशीकरण करवाया है। जो आपका शक है वही औरत है, लेकिन वो छूट जाएगी, जाओ, आशीर्वाद है। गुरु जी एकदम सही है, एकदम सही है गुरु। बराबर, एकदम सही। कोई संदेह नहीं। हम अभी बोल, माइक रख दो। ये पत्नी की तरफ देखता भी नहीं, उल्टा लांछन लगाता है। छोड़ो, वो हमारा काम है, जो ये माइक के बिना चर्चा की, ये हमारा काम। हमने चूंकि इस विषय इसलिए अवगत किया ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, नहीं तो आपका क्लेश और बढ़ जाएगा, वीडियो तो जाएगा ही। आप कहो तो हम माइक से भी बोल सकते हैं, आप अगर माइक से सुनना चाहो तो हम माइक से भी बोल सकते हैं, नहीं आप सुनना चाहें तो बिना माइक के भी। हमने आपकी और उनकी लड़ाई और बढ़ ना जाए, चूंकि दामाद आपका खतरनाक है। सही बात है, एकदम सही। दामाद आपका खतरनाक, सही। इसलिए बिना माइक के हमने बोला है कि आपका दामाद बहुत विचित्र है, छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाता है। और आपकी जो बच्चा को लेकर के मन में टेंशन है, आपका अविनाश पूर्णतया छूट चुका, डॉट 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 डॉट, उससे ठीक है। और वो जो स्त्री का टोटका है वो सही है। बस हमें आपका दो उपाय करने, आप कात्यायनी माता का विधान कराओ, बेटी को धाम पर दर्शन करवाओ, हम बाकी चर्चा जो बिना माइक के बोले उसको हमारी गारंटी है, आप पेशी भर करो, जाओ, आशीर्वाद है।
कोई संदेह हमारी बातों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरु जी। एक साल हो गया हमने टीवी देखना ही छोड़ दिया। जैसा तुम्हारा कार्यक्रम देखा है ना, फुर्सत मिली तो खाली वही देखते बस। तो टीवी पर देखती हूँ हर टीवी पर। लोग तो हमें उल्टा सीधा कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं जो कहते हो। हाँ कोई बात, ये हमने कुछ काटा हुआ है तो वो जो पेन चला करके काटा है वो उसी को काटा, वो हम मंत्र झाड़ा लगा देंगे। ठीक है, चलो। राम साधु जी। हाँ, इसके बाद देखो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने प्रश्न का पूर्ण रूप से समय लेकर के जवाब चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्ज। अच्छा, आज अगर देरी से कथा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तुम्हें क्या करना है कथा से? तुम्हें तो पर्चा से भर मतलब है, बदमाश हो, हम पहचानते हैं, फिर भी हमारे हो। बहना इस तरफ मुंह करो, जय हो बहना। कहां से आई बहन? बालाजी की तरफ करना है मुंह, नजदीक आओ। माइक से परिचय भर दे सकते हैं, आपको माइक से नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं, पर परिचय आप माइक से दे दो। जय सिया राम। कहां से आई हैं? नासिक, लासूर, यहीं पड़ता है लहसुन या लासूर? लासूर। हमारे कान बुढ़ापे के है ना बेटा, हमारी उम्र ज्यादा हो गई। अच्छा, नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ी लिखी तो हैं? ठीक ठीक, बोले क्या समाधान पाना चाहते जी? फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए। जी, उसका नाम जान सकते हैं? हमारे पर्चे में आया जी। एक विषय और है, इसमें तीन बातें आई। पहली आई, आशीर्वाद लेने आई हैं आप बालाजी का। पहले तो आपने कोई प्रश्न सोचा नहीं था, अगर बुला लेंगे तो हम समझेंगे कि है क्या, आपने बैठे बैठे ऐसे सोचा था, इसीलिए हमने आपको बुलाया। दूसरा, स्किन दिक्कत आई है, चरम रोग की दिक्कत आई है। तीसरा, वर्तमान तनाव में है, स्ट्रेस में है, एक व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उसको लेकर के चिंतित हैं। वह व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है, चरित्र का लांछन लगा रहा है, नाम उसका उमेश है, उल्टा चल रहा है, जाओ चिंता ना करो, वह मैटर निपट जाएगा, आशीर्वाद है। क्या यही पूछने आए? आपकी भी इसमें गलती। क्या हम सही कह रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, उन्हीं के बारे में लिखूंगा। जी बहन, काम में, शेयर में जो मन में दिक्कत बनी हुई है तेज हो जाएगी, हम उपाय कर देंगे, कवच देंगे, बढ़िया चल रहा। घर में मैया की भी अर्जी स्वीकार हुई है, स्वास्थ्य कृपा हो गए, एकता बनी रहे। घुटनों की दिक्कत, माइक से बोलो, क्या ये सभी बातें ठीक हैं? सभी बातें सही है। क्या हम ये प्रचार दिखा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर? हाँ जी, बता सकते हैं। ये पहले मंत्र भी आप पढ़ लो।
ओम श्री माइक से नहीं बोलना, एम तीन माला श्रीम श्रीम, नहीं नहीं याद करने की जरूरत नहीं, पर्चे पर लिखा है आप उसको पढ़ सकते हैं, हमने तो पर्चा राम ये पर्चा। इसके बाद अगला इनसे कोई संपर्क मत रखना, कोई प्रतिक्रिया मत देना, इसी में पहले हम विचार कर रहे थे आपका जो हमें गुरु आज्ञा लगी थी सन्यासी बाबा की, तो टीवी से संबंधित कुछ भी नहीं आया, वो मना हो गया, आप इसी पर अजमाओ, इसी में सफल हो, ठीक बहना, चलो बहन पक्का, बहन धाम आइयो, हम उपाय कर देंगे। राम राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमा पार्वती पते हर हर। वहां पर जो तीसरे पंडाल में सफेद तौलिया लिए हुए वहां रेलिंग के पास खड़े भाई साहब, जी भैया आ जाइए, भाई साहब राम राम, राम राम जपो तभी बुलाया जाएगा, कहां से आए माइक लो भगवान, जय श्री राम भक्त बजरंग बली की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहां से आए हैं? हिंगोली जिला बसमत नगर। कहां? यही महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ महाराष्ट्र। पहली बार आए? हाँ पहली बार। अपना नाम आपने बताया तो नहीं था किसी? नहीं नहीं किसको भी नहीं बताया था, किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं नहीं। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, आप क्या बालाजी से समाधान पाना चाहिए, हिंदी पढ़ लेते हैं। हाँ बराबर पूछो। हाँ ठीक है, बिना माइक के पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो समाधान देना, हम भी बिना माइक के। ओके दूर कर दें, बोलो एकदम दूर, ज्यादा गोपनीय है क्या?
सीता राम 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 सीता राम जय श्री राम आशीर्वाद ठीक है एकदम संतुष्ट ये चालू कर देना एकदम बात सही हाँ सही एकदम कोई सही संदे? कोई संदेह नहीं जय सियाराम जय सियाराम सब लोग अपने लिए मांगते हैं इन्होंने पूरे परिचय जो प्रश्न हमने लिख करके रखे थे उन सभी प्रश्नों में इन्होंने केवल भारत के लिए और भारत की समाजों के लिए अर्जी लगाई है कुछ अर्जी ऐसी है जो माइक से नहीं बोली जा सकती क्योंकि उससे विरोधाभास और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी लेकिन आपका जो ध्येय और संकल्प है बहुत प्यारा है राष्ट्र हित के लिए प्यारा है उसके लिए बागेश्वर पीठ आपको साधुवाद दे रही है इसके बाद अगली अर्जी स्वीकार भेजा जाए माता जी ठीक है चलो हाँ खूब जय जय काम बढ़िया चलेगा तुम्हारे बालक पर कृपा होगी बालक स्वस्थ हो जाएगा धन की दिक्कत दूर हो जाएगी सनातन का काम करेंगे बुद्धि स्थिर रहेगी अमुक अमुक डॉट 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 गोपनीय दोनों विषयों पर भी कृपा होगी अब प्राण चाहते हो क्या साधु जी ओ साधु जी हाँ मालिक सुन लिया खड़ो रहे सीताराम जप नहीं तो लड़ पड़ेंगे आगे के लगे हम जय हो बेटे मोरो प्यारो बेटा इसके बाद आपकी चिट्ठी हमारे पास पढ़ने में आ गई हाँ चिट्ठी कल रात को ही लिखी थी जी कोई बात नहीं आशीर्वाद चाहिए बस बाकी के सवाल ही वो संभाल कोई बात नहीं पूछो बिना माइक के भी बोल सकते हैं आपने अपनी चिट्ठी में कुछ बातें लिखी हुई हैं उसमें आपने शुरुआत माइक ले सकते हैं हम कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना माइक के बोलेंगे हाँ। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी जो बिना माइक के बोलेंगे हाँ। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने चिट्ठी पढ़ी है वो हाँ। माइक ले लो आपने अपनी चिट्ठी में ओम बागेश्वराय नमः लिखा है यस आपने अपनी चिट्ठी में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रारंभ किया है परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रारंभ किया है निजी विषयों को लेकर के बहुत चिंतित हैं डॉट 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 एक मनोकामना लेकर के आई हैं जो गोपनीय है उसके बारे में बिना माइक से चर्चा करेंगे और अंत में आपने लिखा कि कभी कृपा करें और अपने नाम के सहित आपने प्रणाम किया हुआ है सच में बराबर हाँ। अब कुछ बातें बिना माइक के हम चलते हैं ये हमने आपकी चिट्ठी पढ़ी और आप रात को जब लिख रहे थे तब ये कह रहे थे क्या ये चिट्ठी हमारी वो पढ़ पाएंगे हाँ, हाँ। और आपने ये भी कहा था पढ़ पाएंगे तो वो चिट्ठी सहित बुला लेंगे हाँ, हाँ। क्योंकि वीडियो में आपने देखा है कि हम चिट्ठी पढ़ के बता देते थे इसलिए हमने तुम्हारी पढ़ के बताई है जय सीताराम अब हमारा माइक बंद कर दे
शत प्रतिशत सब बातें एकदम सही है, एकदम सही। जय सियाराम, जय सियाराम।